कार, बहुत दिनों के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो आज की वीडियो जो स्टार्ट होगी वो अलग अलग फैक्ट की तरह होगी, मतलब कि जो ब्लॉगिंग करूँगा मैं इसमें आप सभी को देखने को मिलेगा तरह तरह की चीज़ें। तो सबसे पहले आप सभी को दिखाता हूँ यहाँ जो हमारे गाय भैंस हैं, जो हमारी खेती है, ये चारों तरफ आप सबको दिख रही है यहाँ से वो उधर तक। तो यहाँ जितने भी हमारे खेती होती है, तो यहाँ जो हमारे गाय भैंस हैं वो यहाँ आ चुके हैं और इनको हकाते हकाते बड़ी हालत ख़राब हो गई। आप सबको दिखाता हूँ, अभी देख सकते हैं आप, ये गाय है, वो बीच में भैंस है और आगे से बैल है। तो ये सभी रास्ता, मतलब कि हरी भरी घास खाने के लिए पूरे खेतों में घुस गए हैं। तो अभी दौड़ दौड़ के आना पड़ा और इनको अभी इनके रास्ते पर पहुँचाया जाएगा। चल, तो ये यहाँ पर पहुँच गए हैं, देखिए आप। तो होता है जानवर ऐसे चले जाते हैं, लेकिन कभी कभार आप सभी को भी उनकी देख रेख करनी होती है। तो इसमें हम लोगों की भी, क्योंकि देखो क्या होता है आज की डेट में हर जगह इतने सारे गाय भैंस होते हैं और कितने लोग अपने गाय भैंस बच्चों को रोड पर छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि उनको ज़रूर देखें, क्योंकि अगर मैं इनको नहीं देखूंगा तो दूसरा इनको हर कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। क्योंकि जितने के खेत हैं, किसी के धान हो रखे हैं, तो ये लोग बिल्कुल ही चपट कर जाते हैं। तो आप लोग जो है अपने गाय भैंसों को ज़रूर देखें, क्योंकि आज के डेट में देख सकते हैं आप हर जगह इतने सारे लावारिस जो हैं उनको घर से भगा देते हैं। तो ज़रूर उनकी केयर करें और देखें इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और अभी चलता हूँ मैं, थोड़ा सा गर्म हो गया और इधर ही स्विमिंग पूल भी है, तो मतलब गांव का स्विमिंग पूल, तो वहाँ भी थोड़ा स्नान करेंगे। और क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना बहा दिया इन लोगों ने, तो दिखाते हैं आप सभी को हमारे यहाँ का छोटा सा स्विमिंग पूल। आप लोग वीडियो के साथ बने रहें। स्विमिंग पूल जो है वो खाली हो चुका है और यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सब यहाँ पर, यह लगता है सफाई जरूर कर रहे हैं, सफाई कर रहे हो ऐसा लगता है। यहाँ पर हो गया बिल्कुल खाली और बच्चे अभी कर रहे हैं यहाँ सफाई। गुड। तो अभी ये थोड़ी देर में भर जाएगा यहाँ। क्या रखिए, तो आज नहाएंगे यहाँ, ये नहा के आ चुके हैं। कैसा लगा भाई? मजा आया, देखने को मिलेगा गांव का जो है बेस्ट, जो झरने होते हैं झरने, जैसे कि आप सभी लोग झरने में जाते हैं नहाने के लिए, तो वैसे ही यहाँ पर भी झरने हैं, काफी अच्छे अच्छे झरने हैं। आप सभी को दिखाता हूँ, चार झरना है, देख सकते हैं आप, यहाँ से निकलेगा पानी और यहाँ पर नहा रहे हैं भाई लोग। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। एक यहाँ पर नहा रहे और बिल्कुल बिल्कुल ही खूबसूरत सा झरना है, देख सकते हैं आप। जहाँ पर हम आए थे वहाँ पर पूरा, क्योंकि वहाँ जो वो था वो नहर बिल्कुल बंद हो चुका है, डिग्गी जो है उसको रिपेयर किया जा रहा है। तो अभी यहीं पर नहाएंगे और दिखाते हैं आप सभी को वीडियो। अगर कभी नहाने के लिए जाए तो सोच समझ के उन्हीं नदी में नहाए जहाँ आपको पता हो, और यहाँ का पता हमें है इसलिए हम यहाँ नहा रहे हैं। और यहाँ पर काफी इंजॉयमेंट आना है।